बड़ी दुविधा में हूँ उस समय साहब, इन कवियों में सबसे छोटा कवि हूँ, चाहे कविता में हो चाहे उम्र में। ये समझ लो कि मैं कविता की दुनिया में केजरीवाल हूँ। मैं थोड़ी देर रायता फैलाऊंगा और फिर चला जाऊंगा, तो मुझे अच्छे से रायता फैलाने दो एक बार। वाह, अच्छा अभी भैया गजल वजल लिख, ये मान लो कि अपना मफलर घर भूल के आया है। ठंड तो फिर भी लग रही है, एसी बंद करवा दो अगर हो रही हो तो। अभी भैया वासु भैया बैठे हुए हैं, शेर कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे, सामने भी बहुत अच्छे शायर दादा गुणवीर दादा हैं, अमन भाई बैठे हुए हैं। तब मैं बस एक मतलब एक शेर के बाद फिर मैं अपनी औकात पे आ जाऊंगा। कि किसी शायर के किसी कायर के हम मरहम नहीं हैं। वाह, किसी कायर के हम मरहम नहीं हैं, शजर हैं हम कोई शबनम नहीं हैं। वाह, ये मत समझो कि तुम ही हो यहाँ पर, हमारी हैसियत भी कम नहीं है। वाह, जिंदाबाद। तो मैं अब अपनी औकात पे आ रहा हूँ, एक बार मेरा मन बना दो अच्छे से, एक बार जोरदार ताली बजा दो उसके लिए। अभी लोग अभी बहुत सारे कवि आएंगे, कहेंगे तेरी जुल्फों के साए में शाम कर दूंगा। मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूँ, भैया जूं थे क्या पिछले जन्म में? तो साहब बस मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रेम में दुविधाएं क्या आती हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए। के काशी का कल्लू राम था काबा बना गई। वाह, काशी का कल्लू राम था काबा बना गई, मैं था बड़ा होटल मुझे ढाबा बना गई। लुटते हैं कैसे इश्क में ये हमसे सीखिए, वो बेबी बेबी बोल के बाबा बना गई। साफ प्यार में और एक मैं अपनी थोड़ी सी दुख दर्द बांट लूं आपसे, आप मेरे ही सब लग रहे हो। कि किसी को खुदा की खुदाई ने मारा, किसी को किसी की लुगाई ने मारा। मेरा दर्द तुमको बताऊं मैं कैसे, मुझे मेरी जानम के भाई। और साहब एक बात बताना चाहता हूँ, देश में बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो चुटकुले पढ़ के बहुत बड़े बड़े मंच कर रहे हैं, लेकिन मेरे ललित फाउंडेशन परिवार के ये संस्कार है कि मैं एक भी चुटकुला यहाँ से मंच से नहीं पढ़ूंगा। तब एक हिम्मत करता हूँ, अगला मुक्तक सुनिए। कि अभी मोदी जी ने बहुत सारे रोजगार बांटे थे, एक रोजगार मुझे बहुत पसंद आया, सुनिए। कि जो सबके मन को भाए वो किरदार बनेंगे, एक बार नहीं हम तो बार बार बनेंगे। पापा ने हमसे पूछा बेटा क्या बनोगे तुम, हम सर उठा के बोले चौकीदार बनेंगे, हम सर उठा के बोले चौकीदार बनेंगे। अच्छा पिछले दिनों मुझे मोदी जी मिल गए थे जब चुनाव होने वाले थे, बड़ा आदमी मिलते रहते हैं, तो मोदी जी मिल गए। मैंने कह दिया कि मोदी जी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या प्लानिंग है? तो उन्होंने जो कहा सुनिए। कि जो देशद्रोही हैं उन्हें रोटी भी न देंगे, इस बार यूपीए को लंगोटी भी न देंगे। मोदी ने कहा फिर से बनाओ मुझे पीएम, टीपू को चुराने को जी टोटी भी न देंगे। राजनीति का जिक्र हो, राजनीति का जिक्र हो, और मेरे ताऊ जी आदरणीय राहुल गांधी जी का नाम ना लिया गया। बस ताऊ जी का जवाब नहीं, ताऊ जी कैसे बता रहा हूँ। हाँ। मेरे पिताजी की आयु 45 वर्ष है और राहुल जी की उम्र 49 वर्ष है, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो इसीलिए वो इस हिसाब से मेरे ताऊ जी हुए। अब मुझे ताऊ जी मिल गए, बड़ा आदमी बताया था मैंने आपको, तो मैंने कह दिया कि आपको ना बहू मिल रही है ना ही आपको बहुमत मिल रहा है, अब आप आगे भविष्य में क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने अपनी चार पंक्तियों में ख्वाहिश बताई, आप सभी के समक्ष उनकी ख्वाहिश बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मेरी ख्वाहिश है मेरी नींद और सब चैन चोरी हो। वाह, बनाऊं खूब मैं सोना जो एक आलू की बोरी हो। नहीं बन पाऊं जो पीएम तो शादी ही करा दो अब,
भले लड़की हो काली भैंस या मक्खन सी गोरी। अभी वासु भैया कह रहे थे यार लगता है श्रोता कम आएंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, चार पांच कन्याएं आ चुकी हैं अच्छी, पीछे पीछे 50-60 लड़के आ जाएंगे।